Assalamualaikum, मैं हूँ एसर महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोंस। लास्ट वीडियो में हमने अपने रजिस्टर पेज पे जो टेस्ट था सक्सेस केस वाला उसको कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और बेसिकली सबसे पहले हम जो अपनी पूरी ऐप है उसमें टेस्टिंग सिलेक्टर्स ऐड कर लेंगे और टेस्टिंग सिलेक्टर्स ऐड करने के बाद फिर हम वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे टेस्ट केसेस के साथ और एक टेस्ट केस लिखेंगे रजिस्टर्ड पेज पे जो कि एग्जिस्टिंग यूज़र की ईमेल को यूज़ करते हुए साइन अप ट्राई करेगा और उस पर उसे बेसिकली एरर आना चाहिए कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को फिर कंक्लूड करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आ जाऊँगा और साथ ही मैं कोड को भी ओपन कर लूँगा। यहाँ पर लास्ट टाइम हम यहाँ पे रजिस्टर्ड इस टेस्ट पे काम कर रहे थे और उसका हमने सक्सेस केस जो है वो डिफाइन कर लिया था यहाँ पे साइन इन यूज़र ओके। अब मैं इसको डॉट स्किप कर दूँगा ताकि ये टेस्ट अब रन ना हो और नेक्स्ट अब मैं एक न्यू टेस्ट क्रिएट कर लूँगा जो कि होगा Try sign up with existing user details. It should fail. यहाँ पे आगे और अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक लॉग लगा दूंगा ओके रेडी फॉर स्टार्ट और इसको हम चला के देख लेंगे बस क्योंकि यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर लूँगा ओके और test.e2e ये साइप्रस को ओपन करेगा। यहाँ से हम वेट करेंगे इसका, जैसे ही ये आगे हो जाएगा यहाँ से हम फिर कंटिन्यू करेंगे ओके ऑलमोस्ट। हम ये टाइप मॉड्यूल भी सेट कर देते हैं। अच्छा यहाँ से ये करेंगे, इसे सिलेक्ट करूँगा स्टार्ट, ये स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आ जाना चाहिए कि रेडी फॉर स्टार्ट, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा काम था रेडी फॉर स्टार्ट। अब हम कंटिन्यू करेंगे और मैं बेसिकली क्विकली पूरी ऐप के लिए जो टेस्टिंग सिलेक्टर्स हैं उनको ऐड कर दूँगा। हम वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे ताकि क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग सिलेक्टर्स ऐड कर रहा हूँगा और जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे और इसकी जो रिमेनिंग फंक्शनैलिटी है उसको कंप्लीट करेंगे।
हमने यहाँ पे सभी एलिमेंट्स पे टेस्टिंग सेलेक्टर्स ऐड कर ली हैं। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली इस एलिमेंट पे देखता हूँ, जो ये सिलेक्ट एलिमेंट था और डेट पिकर था, क्योंकि ये हम एक कस्टम एलिमेंट्स यूज कर रहे थे, तो इनमें जो डेट पिकर है मैंने इनके कंटेनर्स पे लगाया। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने इनके फ्लैक्स एलिमेंट पे लगाया, क्योंकि इन पे मैंने लगा के देखा था लेकिन उसने काम नहीं किया, तो इस वजह से मैंने फिर उनको वहां से कट करके इनके फ्लैक्स पे लगा दिया, क्योंकि वो कस्टम एलिमेंट्स हैं। और बाकी हर एक एलिमेंट पे, अगर यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट को हम देखते हैं, तो उस पर एक स्पेसिफिक सिलेक्टर भी है और एक जेनेरिक सिलेक्टर है। ये मैंने एक नया ऐड किया, लिस्ट एलिमेंट टेस्ट सिलेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जेनेरिक सिलेक्टर के आगे आईडी, जो इस एलिमेंट की स्पेसिफिक है, वो आईडी यहाँ पे अचीव हुई है। इसी तरह न्यूज फीड पे भी आप देख सकेंगे कि सब जगह पे फिल्टर्स जो है, सॉरी, जो टेस्ट एलिमेंट्स सिलेक्टर है वो ऐड कर चुका हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि अगर इसके कंटेनर पे जाएंगे, जो कि है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे ऐड है। उसी तरह जैसे यहाँ पे डाटा लोड हो जाएगा, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर मुझे जो बटन है वो शो हो जाएगा। और एक चीज रह गई है, ये जो बेसिकली फुल पेज लोडर आ रहा है, इस पर भी हम एक सिलेक्टर लगा देते हैं, ताकि जब ये डाटा फेच हो रहा हो तो हम यहाँ पर इस चीज को चेक कर सकें कि ओके ये लोडर विजिबल है। जब तक ये डाटा लोड हो रहा है, हम यहाँ पे क्विकली आके इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैं यहाँ पर आऊंगा, इसमें, और इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ फुल पेज लोडर, सॉरी, उसमें लेट से कॉम फुल पेज लोडर कॉम एंड आईकॉन आइकॉन, इसको क्लोज कर देंगे और यहां से फुल पेज लोडर में आ जाएंगे। और इसमें इसे ऐड कर दूंगा मैं सिलेक्टर हैंडल, ये बाकी ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, तो यहाँ पर टेस्टिंग सिलेक्टर आ जाएगा और इसमें आ जाएगा एलिमेंट, यहाँ पर कंपोनेंट्स, उसमें फुल पेज लोडर और उसमें कॉन, और इसको स्पिनर पर भी ऐड कर देंगे वहाँ पर, लेकिन ये आइकॉन होगा, दैट्स इट, सॉरी, इसको आइकॉन कहना है। सेव करेंगे, क्लोज करेंगे और इसी के साथ ये हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पे मैं आपको इस बटन पे भी दिखा देता हूँ, इस बटन पे भी सिलेक्टर ऐड कर दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसी तरह बाकी सारे पेजेस पे भी हो गया। इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लॉन्ग हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और अपने फर्दर टेस्ट केसेस लिखेंगे। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीरीज से फायदा हासिल कर सकें और ऑटोमेशन टेस्टिंग सीख सकें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.